हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट यहाँ जारी की गई है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आपकी न्यू वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके नाविक, जनरल ड्यूटी एंड यांत्रिक की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किए गए हैं और 13 जून 2024 से 3 जुलाई 2024 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। फ्रेंड्स, यहाँ कोस्ट गार्ड की जो नाविक की वैकेंसी है उसके बारे में हमने आपको पहले ही वीडियो बना के प्रोवाइड करवा दी है, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको यांत्रिक की पोस्ट के लिए जो आप फॉर्म किस तरह भर सकते हैं, इसी के बारे में आपको बताने जाए डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर जाएंगे। सबसे पहले क्रिएट अकाउंट पे आपको यहाँ पे जाना होगा। जब आप यहाँ पे इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाके साइन इन करने के लिए क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले आपका जो यहाँ पे कैंडिडेट का नेम है इसकी आपको एंट्री करनी होगी। इसके बाद फादर नेम की एंट्री करेंगे, मदर नेम की एंट्री करेंगे, आपकी नेशनलिटी आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ओनली मेल कैंडिडेट ही है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट की आप यहाँ एंट्री आप कर लेंगे, जेंडर की, इसके बाद आपका ईमेल आईडी और कन्फर्म आपकी जो यहाँ पे मोबाइल है उसके आप एंट्री करेंगे। आपको दोनों पे ही आपको एक ओटीपी आएगा जिसे आपको वेरीफाई करना होगा। तो आपकी ईमेल पे और आपके एसएमएस पे आपको एक ओटीपी आएगा जिसे आपको वेरीफाई करना होगा। ऐसे वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पूछा गया है कि आपको जो ये वैकेंसी है इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली है। तो आपको इंस्टाग्राम से, आपको व्हाट्सएप से, जहाँ से भी आपको जो ये जानकारी मिली है, न्यूज़पेपर से, अदर आपको यहाँ साइट से मिली है, तो उनकी आप यहाँ एंट्री करेंगे। तो जहाँ से भी आपको ये जो जानकारी है वो आपको मिली है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसकी एंट्री आपको करनी है, उसके बाद सबमिट आप कर देंगे। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपको यहाँ साइन इन करने के लिए आपकी जो यहाँ पे ईमेल आईडी पे आपको एक पासवर्ड मिला होगा, उसको आपको यहाँ ईमेल आईडी डाल दी है, पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। इसके बाद एंटर करने के बाद आप यहाँ पे कैप्चर कोड दिया हुआ है, कैप्चर कोड की एंट्री करेंगे, लॉगिंग आप कर देंगे। लॉगिंग जब आप यहाँ कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे एक जो न्यू पासवर्ड है 16 कैरेक्टर्स का रिसेंट, आपको एक न्यू पासवर्ड यहाँ 8 से 16 कैरेक्टर का बनाना होगा। तो है इसमें आपको अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, इस कैरेक्टर्स में आपको ये पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। हमसे सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको डालना होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं किस तरह आप अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स में आप ये पासवर्ड जो आपको याद रह सके ऐसा पासवर्ड आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद जब पासवर्ड आप बना लेंगे, कन्फर्म पासवर्ड आप यहाँ करेंगे, तो आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए पासवर्ड बनाना है। कन्फर्म पासवर्ड करने के बाद कैप्चर को भरना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपके सामने जो इंस्ट्रक्शन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके सामने इंस्ट्रक्शन ये आ जाएंगे, इन्हें आपको रीड कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ डिक्लेयर है, डिक्लेयर आपको करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट आपको कर देना है। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे, इसके बाद आपको सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो आपका यहाँ स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको जो आपका आधार कार्ड आपके पास है तो आप यस करेंगे, उसके बाद आपके जो भी कार्ड का जो आपका नंबर है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे, आधार कार्ड का कंफर्म आप आधार कार्ड नंबर यहाँ दोबारा करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आईडी प्रूफ में आपका नाम है उस नेम की आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। तो आपको यहाँ पे अपना नाम जो आपका आईडी प्रूफ में है उसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपकी बॉडी पे कोई यूजुअल मार्क्स है तो दो ऑप्शन आपको यहाँ दिए हुए हैं, आपको दोनों को ही आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी पे कोई यूजुअल मार्क्स है तो, अगर आपकी बॉडी पे कोई यूजुअल मार्क्स नहीं है तो आप सिंपल ही यहाँ नो आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो आपका यहाँ पे आएगा पे कैंडिडेट कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो आप यह सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं तो वो आप यह सेलेक्ट करेंगे। आपका जो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आपको किस डेट को वो आपका इशू हुआ था इसकी आपको यह एंट्री है वो आपको कर देनी है। इसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका कब से कब तक है तो वो आपको डालना होगा। तो आपका वैलिडेट डेट अगर इस पर आपकी डली हुई है तो आपको ये नहीं डालनी है, और वैलिडेट डेट अगर आपकी डली हुई है तो आपको ऑलवेज
ऑलरेडी वैलिडेट डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है कब से कब तक है, उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसकी एंट्री आपको है करनी होगी। तो डेट मंथ एंड ईयर में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ है उसकी एंट्री कर देनी है। आपका जो डेट ऑफ प्रूफ है वो आपको चूज कर लेना है। तो आप जैसे 10th की मार्कशीट है वो आप यहाँ चूज कर लेंगे। इसके बाद आपको एज में या रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यस नो करेंगे। फीस में आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यस नो सकते हैं। तो इसके लिए आप अगर यहाँ पे SC से या ST से आप यहाँ बिलोंग करते हैं तो आपको जो एज में छूट है और आपको यहाँ पे जो आपकी फ़ीस में छूट है वो आपको मिलेगी। अगर आप यहाँ जनरल कैटेगरी से आप यहाँ फॉर्म भरते हैं तो आपको किसी भी तरीके का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपको सेलेक्ट करना है कि आप यहाँ किस तरह से अपना एम्प्लॉयमेंट है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय आप रहे हैं या आप अर्बन रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में आपने काम करा है उसकी आप एंट्री करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे आपका जो ID प्रूफ है, आधार कार्ड, वो अपलोड कर देंगे। आपकी 10th की मार्कशीट है वो आपको है अपलोड करनी होगी। इसके बाद जब आप ये अपलोड कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे तो आपकी यहाँ पे बताया हुआ है इसके साथ ही कि आपको यहाँ पे आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वही आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। आपको सेल्फ अटेस्टेड या फोटोकॉपी है वो आपको यहाँ अपलोड नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। 50 से 150 KB में आपको अपलोड करना है। तो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपको अपने जो यहाँ डॉक्यूमेंट्स है, आपका आधार कार्ड और आपका जो यहाँ पे 10th की मार्कशीट है वो अपलोड आपको कर देनी है। इसके बाद आपको जो फ़ोटो है वो भी आपको बताई हुई है कि आपकी किस तरह की आपकी एक्सेप्टेड जो आपके डॉक्यूमेंट्स की आपकी जो यहाँ डॉक्यूमेंट्स है वो आपके एक्सेप्टेड है और किस तरह के आपके अनएक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह की आपको अपनी जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। इसके बाद सेव आप कर देंगे। सेव करने के बाद आपको अपनी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ हमने नाविक के लिए फॉर्म पहले ही आपका यहाँ पे भर दिया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि नाविक में आप किस तरह फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप नाविक के लिए अप्लाई करें नाविक पे क्लिक करेंगे। पर आज हम इसमें आपको वीडियो में यांत्रिक की पोस्ट पे फॉर्म भरना बता रहे हैं, इसलिए हम यांत्रिक पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यांत्रिक पोस्ट जब हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे यांत्रिक जो आपका स्ट्रीम है तो वो आप यहाँ पे किससे आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं आपका स्ट्रीम, वो आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो स्ट्रीम है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेव आप करेंगे। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे सक्सेसफुली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करनी होगी। तो आपका यहाँ पे 10th आप पास है, आप यस करेंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे बोर्ड रहा है जहाँ से आपने 10th पास करी है उस बोर्ड की एंट्री करेंगे। आपका जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर है 10th का वो आप एंटर करेंगे। आपकी परसेंटेज है, CGP है, ग्रेड है, वो उसकी एंट्री करेंगे। आपकी जो भी पासिंग ईयर है उसकी एंट्री आपको करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी कोई एडिशनल मार्कशीट है तो आपको यस करना है, नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। आपने कितने सब्जेक्ट 10th में पढ़े हैं उनकी आप एंट्री करेंगे। इसके बाद आपको जो भी सब्जेक्ट आपने यहाँ 10th में पढ़े हैं तो उन सब्जेक्ट को आपको यहाँ एंटर कर देना है और आपके जो ऑप्टेड मार्क्स है और आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है उनकी एंट्री आप कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप अगर यहाँ पे नाविक के लिए भर रहे हैं तो 12th की आपकी जो डिटेल है तो 12th की आप डिटेल भर देंगे। पर यहाँ हम यांत्रिक के लिए फॉर्म भर रहे हैं इसलिए आपको 10th की आपकी जो क्वालिफिकेशन है और आपकी जो यहाँ पे डिप्लोमा है तो डिप्लोमा आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और आपका यहाँ डिप्लोमा आपने यहाँ पे पास आपका है तो आप यहाँ पे डिप्लोमा आपने कर रखा है, आपको यस यहाँ करना होगा। यस करने के बाद आपका जो भी यहाँ पे स्ट्रीम रहा है तो वो स्ट्रीम आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे किस इंस्टीट्यूट से आपने अपना डिप्लोमा करा है उस इंस्टीट्यूट का आपको यहाँ नाम डालना है। हम सिर्फ सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका एक्चुअल डाटा आपको डालना होगा। आपके परसेंटेज है, CGPA है, जैन आपका ग्रेड सिस्टम है उसकी आप एंट्री करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका पूछा गया है कि आपका जो यहाँ पे सेलेक्ट आपका यांत्रिक के लिए आपने ये जो जो ईयर है कि कितने ईयर में आपने डिप्लोमा कंप्लीट करा है तो वो ईयर की आपको एंट्री करनी होगी। इसके बाद आपको अपना जो डिप्लोमा पैटर्न है तो आपको वो डिप्लोमा पैटर्न आपको यहाँ पे एनुअल है कि आपके सेमेस्टर है तो आपका जो भी यहाँ पे पैटर्न है तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि आपका यहाँ सेमेस्टर है, सेमेस्टर आप सेलेक्ट करेंगे। आपके जो भी है सेमेस्टर वाइज ऑप्टेड मार्क्स है, आपके मिनिमम मार्क्स है उनकी आपको यहाँ एंट्री कर लेनी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने जो भी यहाँ पे ऑप्टेड मार्क्स है और आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है तो उनकी आपको यहाँ एंट्री कर लेनी है। इसके बाद आप जब इनकी एंट्री कर लेंगे, अगर आपके और भी अदर यहाँ पे सेमेस्टर आपके रहे हैं तो ऐड पे आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और ऐड पे क्लिक करके आपके जो अदर सेमेस्टर में आपके जो ऑप्टेड मार्क्स हैं, आपके यहाँ पे
और मार्क्स रहे हैं उनकी आप यह एंट्री कर सकते हैं। तो आपके जितने भी यहाँ ईयर है उसमें सेमेस्टर आपके रहे हैं तो उनके आप यहाँ डिटेल डालते जाएंगे, और आपके जो सेमेस्टर का आपका जो डिसिप्लिन है, आपका यहाँ पे जो ऑब्टेन मार्क्स है और टोटल मार्क्स है उनकी आप यह एंट्री कर देंगे, और सेव एंड नेक्स्ट आपको इसके बाद करना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग आपको अपना जो यहाँ पे जितनी ईयर में आपका जो डिप्लोमा आपने करा है वो आपको सेलेक्ट करना है, सेमेस्टर डालना है, और आपके जो ऑब्टेन मार्क टोटल मार्क डाल के सेव आप कर देंगे। सेव करने के बाद आपका जो भी यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है वो उसकी एंट्री आपको करनी होगी। तो आपका हाउस, स्ट्रीट, आपका लैंडमार्क, आपका यहाँ पे जो आपका कंट्री नेम है वो आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। आपका स्टेट यूटी है, आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है उसकी एंट्री करेंगे, ये सब डिस्ट्रिक्ट आपकी है तो उसकी एंट्री कर सकते हैं। आपका पिन कोड नंबर आप यहाँ डाल देंगे, आपका जो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है नियरेस्ट उसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। इसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो सेम इस पे आप क्लिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग इसकी एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे डोमेंसल जो आपका यहाँ पे स्टेट है कौन सा है, डोमेंसल आपका डिस्ट्रिक्ट है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपका डोमेंसल सर्टिफिकेट जो नंबर है उसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। आपका जो डोमेंसल सर्टिफिकेट है उसकी आपको यहाँ पे इशू आपका किस डेट को हुआ था उसकी एंट्री करनी है, और आपका जो डोमेंसल सर्टिफिकेट है उसको आप अपलोड कर देना है। इसके बाद सेव आपको यहाँ करना होगा, और सेव करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे डिटेल है कुछ पर्सनल वो आपको देनी होगी। तो आप यहाँ पे रिचार्ज है इंडियन आर्मी से, इंडियन नेवी से या इंडियन एयरफोर्स से, तो आपको इसकी जानकारी इस नो में देनी होगी। है तो यस करेंगे, नो आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहे हैं तो आपको यस नो करना होगा, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। यहाँ पे अदर कोई आपके कोई डिटेल है तो उसकी जानकारी आप ये रीड करने का यस नो करेंगे, जाता आपको नो ही करना है। इसके बाद आपको ओके करना है, आपको अपनी जो फ़ोटो है सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करने होंगे। तो आपको जो एक्सेप्टेबल फ़ोटो है वो आपको यहाँ बताई हुई कि आपकी कौन सी एक्सेप्टेबल फ़ोटो है तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। आपको स्लेट लेकर आपका नाम, आपकी डेट, इस तरह एक्सेप्टेबल फ़ोटो आपको अपलोड करनी होगी। अनएक्सेप्टेबल फ़ोटो है वो भी आपको यहाँ साइड में बता रखी है। तो आपको जो यहाँ पे फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड अपनी करनी होगी। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको जो यहाँ फ़ोटो में आपका जो फाइल आप बनाएंगे, इस जो आपको नाम दे रखा है फ़ोटो के लिए, इसी नेम से आपको अपनी जो फ़ाइल है वो आपको सेव करनी है, तभी आपकी फ़ोटो है अपलोड होगी। इसी तरह जो आपके यहाँ पे सिग्नेचर है तो सिग्नेचर के लिए भी जो आपको यहाँ पे फाइल का नाम दे रखा है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो आपकी फ़ोटो में, आपके सिग्नेचर में, आपके लेफ्ट हैंड इंप्रेशन में जो यहाँ पे फाइल का नाम यहाँ दे के रखा है, इसी नेम से आपको अपनी जो फ़ोटो है, आपके सिग्नेचर है और आपके लेफ्ट हैंड इंप्रेशन है अपलोड करने है, सेव करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लाइव कैप्चर फ़ोटो है इसका ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो आपको यहाँ पे आपकी लाइव कैप्चर फ़ोटो है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पे आपकी जो आपका कैमरा है उसको आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देना है वेबकैम को, और उसके बाद आपको अपनी जो लाइव फ़ोटो है वो आपको कैप्चर कर लेनी है, और इसके बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल है वो एक बार चेक जरूर कर लेनी है, और इसके बाद ही आपको सेव करना होगा। आपको कोई गलती लगती है तो आप यहाँ पे बैक जाके इसे सही कर सकते हैं। इसके बाद आप ये सभी आपकी ये जो फ़ोटो है और सब डिटेल है वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपका जो आता है वो आपको आता है, आपका जो आता है नेक्स्ट ऑप्शन वो आपका आता है कि आपको फर्स्ट जो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम जो सिटी प्रेफरेंस है एग्ज़ाम फर्स्ट के लिए वो आपको यहाँ चूज करना होगा। तो आपकी जो सिटी प्रेफरेंस है उसमें आपको 5 ऑप्शन है दिए हुए हैं, और आपका जो यहाँ पे स्टेट और सिटी है वो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। तो आपको आपका एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस है जो आपका स्टेट फर्स्ट के लिए वो आप यहाँ एंटर अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। आपको कौन सी स्टेट चाहिए और कौन सी आप सिटी है वो आप यहाँ चूज कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सभी को एक बार चेक कर लेना, इसके सेव आपको करना है और सक्सेसफुली आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको स्टेज सेकंड के लिए आप जो एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस आप यहाँ देना चाहते हैं तो आपका जॉन और आपकी सिटी है वो आपको यहाँ चूज कर लेंगे। यहाँ भी आपको जो प्रेफरेंस है सिटी की वो आपको 5 दे के रखे, तो अपने अकॉर्डिंग आप अपना जो जॉन है और अपना जो सिटी है वो आपको चूज कर लेना है। उसके बाद सेव आपको करना होगा और सेव जो आप कर लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपने फॉर्म है वो आप कहाँ से भर रहे हैं उसकी आपको एंट्री करनी है। ये सभी इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करते हुए डिक्लेयर आपको कर देना है। जब आप सभी यहाँ इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेंगे और आप इनको यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे
जो आपका प्रिंट प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक जब आप कर देंगे आपका प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने यहाँ पे जो प्रिंट प्रीव्यू है उसको देखने के बाद आप यहाँ पे कोई आपने एडिट करा है तो आपको यस नो अपने लिंकर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट आप फाइनल यहाँ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ यस नो कर देना है, तो आपको यस करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना होगा। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सेक्शन और दिए गए हैं तो इन्हें भी आपको यहाँ डिक्लेयर कर लेना है। जब आप इन्हें यहाँ डिक्लेयर कर लेंगे, डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पे इन्हें अच्छे से रीड करने के बाद ही डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद आप कन्फर्म डिटेल पर यहाँ क्लिक कर देंगे। कन्फर्म डिटेल पर जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे उस साथ ही आपका फॉर्म कम्प्लीट हो जाता है। और फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।